समाजवादी पार्टी में फिर से बवाल मचता नजर आ रहा है। पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अटकलों से विपरीत उन्होंने नई पार्टी का तो ऐलान नहीं किया, लेकिन पुत्र अखिलेश यादव को लेकर उनकी पीड़ा साफ झलकी। मुलायम सिंह का अखिलेश को लेकर कहना था कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वह कभी सफल नहीं हो सकता। मुलायम सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लोहिया ट्रस्ट में बुलाई थी। इस बैठक में प्रदेश भर से मुलायम के समर्थक मौजूद थे, लेकिन मुलायम सिंह के सबसे करीबी शिवपाल सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदारद थे। कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह ने ऐन वक्त पर नई पार्टी की घोषणा से इनकार कर दिया और इस वजह से शिवपाल की गैर मौजूदगी रही। मुलायम सिंह ने कहा कि अखिलेश मेरा पुत्र है और इस नाते मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, लेकिन उसके निर्णयों पर मैं साथ नहीं हूँ। उन्होंने योगी सरकार पर भी हमला बोला, साथ ही मांग उठाई कि योगी आदित्यनाथ को सभी किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए।